पांच राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष के अंदर एक मायूसी सी दिख रही थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी उनका एक फैसला विपक्ष के अंदर करंट दौड़ा गया, और ऐसा करंट कि शाम होते होते खबर आ गई कि राहुल गांधी 7 दिनों की विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन राहुल ने अपना दौरा रद्द कर दिया। राहुल का यह दौरा रद्द होना और विपक्ष का एकजुट होना, ये 2024 के लिए क्या संकेत है, जरा इसको बारीकी से समझिए। और इसको जब आप बारीकी से समझेंगे तो फिर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बैठे बैठा विपक्ष को एक मुद्दा दिया। विपक्ष अभी एक तरह से देख रहा था कि किस चीज को मुद्दा बनाया जाए, किस चीज को लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर हुआ जाए, क्योंकि अभी सभी लोग ये कहते हैं कि भाई वो तो चुनाव जीत करके आए हैं, वो तो चुनाव जीत करके आए। लेकिन एक चीज जो बड़ी चीज थी, जो चुनाव से पहले थी और चुनाव के बाद फिर से लौट करके आ गई है, वो ये कि मोदी अपने राज में या अपने समय में बोलने के लिए लोगों के लिए स्पेस नहीं छोड़ते हैं। महुआ मोइत्रा का जिस तरह से आज उनकी सदस्यता रद्द हुई, उसके बाद में विपक्ष ने जो लामबंद होकर के एकजुट होकर के प्रदर्शन किया, और उसमें जो सबसे बड़ी बात रही, जरा ये तस्वीर आप देखिए, सोनिया गांधी आपको कहां दिखाई दे रही है? महुआ मोइत्रा सोनिया गांधी के आगे खड़ी होकर के दहाड़ती रही, बोलती रही, और उनके पीछे, उनको पीछे से सपोर्ट करने के लिए सोनिया गांधी पीछे खड़ी थी। और यह तस्वीर अपने आप में बहुत लोगों के ऊपर छाप छोड़ गई। राहुल गांधी का दौरा रद्द होने की फिर जैसे ही खबर आई तो ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर के अब धार देने की कोशिश हो रही है। और इसके बाद में फिर एक और खबर जो बड़ी खबर है, जिस खबर ने और हंगामा खड़ा किया, वो ये कि महुआ मोइत्रा वो टेक्निकल रूप से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जब सदस्यता ली गई थी तो उस वक्त में सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो 2029 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, 24 तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन महुआ मोइत्रा के साथ में वो स्थिति नहीं है और महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ सकती है, ये भी साफ हो गया है। तो महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ सकती है और उसके बाद में राहुल गांधी का विदेशी दौरा रद्द करना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से खबर बताता हूं और जरा समझते चलिए कि ये आने वाले समय में किस राजनीति को, नई राजनीति को रंग रूप देने जा रहा है। और यहां पर समझने वाली बात एक और ये भी है कि मोदी कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर बैठे हैं। राहुल गांधी कौन कौन से देशों की यात्रा पर निकलने वाले थे, 7 देशों की यात्रा पर निकलने वाले थे, और उन 7 देशों की यात्रा में राहुल का कहां कहां पर दौरा होने वाला था, वो सब चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। और उसके साथ साथ ये भी कि महुआ मोइत्रा को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है लोगों का, ये अपने आप में मोदी के लिए चिंता का विषय बन गया है। आप जरा ये खबर देखिए राहुल गांधी की, फिर मैं महुआ मोइत्रा पर दोबारा से लौट करके आऊंगा। राहुल गांधी ने अचानक से दौरा रद्द किया अपना विदेश यात्रा का, और कांग्रेस की तरफ से वजह इसकी बताई गई है। राहुल गांधी 8 दिसंबर यानी आज से 7 देशों की यात्रा पर जाने वाले थे, पूर्व एशियाई देशों की यात्रा पर जाने वाले थे, और 8 दिसंबर की शाम को वो मलेशिया पहुंचते और 10 दिसंबर तक वहां पर रहते। इसके बाद 11 से 12 दिसंबर सिंगापुर जाने वाले थे राहुल। सिंगापुर के बाद 13 दिसंबर को जकार्ता पहुंचते और वहीं 14 दिसंबर को राहुल हनोई जाते, और इसके बाद 15 दिसंबर की रात हनोई से दिल्ली के लिए रवाना वापसी होते। अब रिपोर्ट के मुताबिक राहुल इन देशों के कुछ विश्वविद्यालयों में और प्रवासी छात्रों के कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे, हालांकि ये सब कार्यक्रम कैंसिल हो गए। और इस सब के लिए वजह बताई गई है कि कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई है जिसको कांग्रेस ने वजह बताया है, तो कुछ अप्रत्याशित हो गया है। राहुल गांधी भी आज मौजूद रहे, संसद में मौजूद रहे, और जिस वक्त में सोनिया गांधी साथ साथ लेकर के आ रही थी महुआ मोइत्रा को, देखिए महुआ मोइत्रा जो है वो ममता बनर्जी की सांसद है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आज इस पर साथ दिया, अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को लेकर के हमलावर रहते हैं, लेकिन आज महुआ मोइत्रा के लिए वो संसद में बैटिंग करते हुए नजर आए। मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि 400 पेज की रिपोर्ट है, 400 पेज की रिपोर्ट 2 घंटे में कैसे सुन ले, 2 घंटे में कैसे सुन ले, और कैसे इस रिपोर्ट पर जो है वो हम अपना आखिरी फैसला बता सकते हैं।
हमें 3-4 दिन का वक्त दीजिए। तो यानी हर तरीके से कांग्रेस यहां पर पेच फंसाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर पेच फंस जाए। देखिए एक चीज को और समझिए, अब जब चुनाव के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में जब परिस्थिति दिखने लगी तो कांग्रेस पर एक सबसे बड़ा आरोप यह लगा कि कांग्रेस वो कहीं ना कहीं अहंकार में आ गई थी और कांग्रेस बात नहीं कर रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, इसको लेकर के लगातार जो है वो बातें कही जाने लगी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जिसमें सोनिया गांधी की मुख्यता आज जो उपस्थिति रही, उसने इन सारी चीजों को पीछे धकेल दिया, ये सारी चीजें पीछे निकल गई और आगे सामने ये आया कि देखिए सोनिया गांधी फ्रंट फुट पर आकर के लीड कर रही हैं और सोनिया गांधी वो महुआ मोइत्रा को और विपक्षी सांसदों को स्पेस दे रही है। और जब जब इंडिया गठबंधन में कोई पेच फंसा है तब तब सोनिया गांधी ने एक अहम रोल निभाया है। याद करिए जो पहली बैठक हुई थी जून में बिहार के अंदर, जब पहली बैठक हुई थी वहां पर सोनिया नहीं थी, लेकिन जब बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई तो वहां पर सोनिया गई और सोनिया ने वहां पर जाकर के कई सारी चीजें की, लोगों को मनाने का काम किया और वहीं से जो है फिर ये इंडिया नाम की सुगबुगाहट वो तेज हुई और फिर उसके बाद मुंबई आते आते मोहर लगी। तो सोनिया का अभी भी एक अपना राजनीतिक करने का तरीका है, उनकी अभी भी एक पकड़ है और सोनिया गांधी के सामने ज्यादातर विपक्ष के नेता वो ज्यादा किंतु परंतु में रहते नहीं है, सोनिया गांधी के सामने चीजें मान ही लेते हैं। और सोनिया गांधी का अब लिख करना ये बहाना, क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने तेलंगाना के जो आखिरी जो प्रचार का दिन था तो वहां पर भी यात्रा अपनी कैंसिल कर दी थी स्वास्थ्य कारणों की वजह से और एक रिकॉर्डेड मैसेज ही दिया था, लेकिन यहां पर सोनिया गांधी पूरी तरह से एक्टिव नजर आई और सोनिया गांधी का ये एक्टिव होना कांग्रेस के लिए बड़ी शुभ संकेत है। अगर सोनिया गांधी एक्टिव रहती हैं और दोबारा से एक रिदम में लेकर के आ जाती हैं इंडिया गठबंधन को तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। और राहुल गांधी वो एक अलग तरीके से मोदी को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी बहुत अलग तरीके से काउंटर करती है। सोनिया गांधी बोलती भी नहीं है, उनकी राजनीति आजकल खामोशी भरी हो गई है, ड्रॉइंग रूम की पॉलिटिक्स वो ज्यादा करती हैं आजकल, लेकिन वही पॉलिटिक्स की कांग्रेस को दरकार है। क्राउड इकट्ठी करना, रैली निकालना, पदयात्रा करना, वो सब स्पेस तो राहुल गांधी भर ही रहे, लेकिन ड्रॉइंग रूम में बैठा करके नेताओं को मनाना, नेताओं को साथ में जोड़ना, ये राहुल गांधी के लिए वो चाहते कि कोई ना कोई एक व्यक्ति वो काम करे। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लाया गया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पुराने नेता है और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक अपनी बात करने की, मनाने की, पॉलिटिक्स करने की एक अलग उनकी कला रही है। और राहुल गांधी चाहते हैं कि ये जो लोगों के साथ में मनाने का जो दौर है या वो काम है वो कोई और करे और उनको पब्लिक के हिस्से का काम दे दिया जाए। और ये सारा काम, ये सब कुछ वो ठहर गया था विधानसभा चुनाव के बाद, सब पर एक फुल स्टॉप लग गया था। ये कहा जा रहा था कि देखिए भाई अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं। अब जरा ये विजुअल देखिए आप, ये विजुअल है और ये विपक्षी नेताओं की यहां पर बैठक हो रही है। ये नहीं, दूसरा विजुअल दिखाइए आप, ये AICC का विजुअल है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है और इस बैठक में राहुल गांधी जो है वो मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर मौजूद है और इंडिया गठबंधन की यहां पर ये बैठक है। और इस बैठक में कुछ नेता नहीं पहुंचे लेकिन उसके बावजूद ये बैठक हुई। और जिस तरह से राघव चड्ढा के लिए स्पेशली मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि इनकी सदस्यता बहाल कर दीजिए और वो बहाल भी हुई, तो राघव चड्ढा भी वहां पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी जो बीच बीच में दिखती है कि कभी कभी नाराजगी वाले मोड में आ गई है लेकिन बाद में फिर दिखता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर है, तो वो सारी चीजें भी फिर निकल करके सामने आती है। अब राहुल गांधी इस स्पेस में यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे रख करके चल रहे हैं और वहां पर सोनिया गांधी अगर आगे आकर के अगर ममता बनर्जी को कोई साथ में ला सकता है तो वो सोनिया गांधी है, अगर मायावती जी को कोई साध सकता है तो सोनिया गांधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती जी का कभी बातचीत जो है वो मिल नहीं पाएगी, हालांकि दोनों जो है वो कहे जाते हैं कि मायावती जो है वो एक बड़ा फेस है दलित राजनीति का और अपने पहचान, अपने दम पर उन्होंने दलितों को एक नई पहचान दी, नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी। और देश में अभी भी जब मायावती जी कमजोर है भी, क्योंकि उनकी राजनीति को अगर आप देखें जो सच्चाई उसको स्वीकार करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां देख लिया, मध्य प्रदेश में स्थिति अच्छी नहीं रही। और मायावती जी के इन विधानसभा चुनाव के बाद में अगर ट्वीट पर खास तौर पर अगर गौर करेंगे तो बहुत सदी हुई लाइन में उन्होंने कांग्रेस को बैकअप करने की कोशिश की। मायावती जी का ट्वीट आता है और मायावती जी के ट्वीट कहते हैं कि जिस तरह से
चुनाव में ग्राउंड पर स्थिति दिखाई दे रही थी, चुनाव के नतीजे उससे उलट दिखाई दे रहे हैं। और ये लाइन बीजेपी को फायदा नहीं देगी, ये लाइन कांग्रेस को फायदा देगी। और मायावती जी को साथ में लाना साधना, और अगर कहीं पर इंडिया गठबंधन में अगर ऐसा कुछ होता है कि अखिलेश यादव नरम गरम पड़ते हैं, तो उस वक्त में काउंटर के लिए मायावती जी को साथ में रखना, वो काम केवल सोनिया गांधी कर सकती है। और आज सोनिया गांधी ने वो काम दिखाया भी, वो पीछे इस तरह से सामान्य से सांसद के रूप में खड़ी रही। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि नरेंद्र मोदी खड़े हो और नरेंद्र मोदी के सामने कोई दहाड़ते हुए बोल दे? नरेंद्र मोदी जी खड़े होंगे तो सामने कोई पहली बात तो बोलेगा नहीं, और अगर बोलेगा तो बहुत सदैव शब्दों में बहुत सीमित तौर पर कुछ कहेगा। और आपको आगे मैं आपको एक बार फिर से सुनाता हूं, दिन में हमने खबर सुनाई है, आगे मैं आपको सुनाता हूं। जब महुआ मोइत्रा कहती है कि मैं 30 साल तक और लड़ूंगी, वो हिस्सा मैं आपको अभी सुनाता हूं। 30 साल तक और लड़ने की बात कह रही है वो, कि चाहे सड़क हो, संसद हो, संसद के बाहर हो, भीतर हो, गली हो, चाहे गटर हो, जहां पर भी इनकी राजनीति को काउंटर करने के लिए उतरना पड़ेगा वहीं उतरेंगे। और ये जब वो दहाड़ते हुए बोल रही थी, उनके पीछे सोनिया गांधी बिल्कुल शांत होकर के, बिल्कुल गंभीर होकर के उनको सुन रही थी। हालांकि महुआ मोइत्रा के गांधी परिवार के साथ में, कांग्रेस के साथ में भी अच्छे रिश्ते हैं, बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। नजदीकियां रही, नेता रही, इस बात को भी लोग कम जानते होंगे। लेकिन अब जिस तरह से सोनिया गांधी नए सिरे से चीजों को बनाने में लगी है, तो ऐसा लगता है कि यह बीजेपी को ज्यादा झटका दे सकता है। एक बार मैं चाहूंगा जरा सुनिए आप महुआ मोइत्रा को, और पीछे सोनिया गांधी खड़ी है। क्या मोदी के सामने कोई खड़ा होकर के इस तरह से बोल सकता है? कल्पना करिए। और यही सोनिया गांधी की सुनने की कला, लोगों को आगे बढ़ाने की कला, विपक्ष को बहुत जरूरत है। क्योंकि विपक्ष को ये बीच में लगने लगा कि कांग्रेस अहंकारी हो गई है, कांग्रेस सुन नहीं रही है किसी की, कांग्रेस में अहंकार आ गया है कि हम तो 3 स्टेट 4 स्टेट जीत रहे हैं, हम तो सीटों में फिर अपनी चलाएंगे। लेकिन आज का जो मैसेज गया है, आज के जो ये विजुअल गए हैं, राजनीति में सब चीज देखी जाती है, खामोशी भी पढ़ी जाती है, खामोशी भी सुनी जाती है। एक बार जरा सुनिए महुआ मोइत्रा क्या कह रही है। 49 years old, I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. I'm 49 years old, I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. I'm 49 years old. अब आप जरा समझिए दोनों चीजों को, राहुल गांधी का विदेश यात्रा कैंसिल होना और इधर सोनिया गांधी की बैटिंग करने के लिए लोगों को आगे खड़ा करना, क्या ये वाकई संयोग की बात है, इत्तफाक की बात है, या अब कांग्रेस पार्टी ने नए सिरे से चीजों को सेट करने की, नए सिरे से चीजों को रखने की अब कवायद शुरू कर दी है? सवाल ये है। और राहुल गांधी को लेकर की विदेशी यात्रा को लेकर के बड़ी खबरें चलाई गई, आज तक चैनल ने अपने कई सारे ट्वीट तक डिलीट कर दिए। और उन ट्वीट में पहले खबर में जिक्र था कि राहुल गांधी तो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, 3 राज्यों की हार का डर है, या 3 राज्यों की हार का प्रेशर, अब कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल पाएंगे, इस तरह से अलग अलग खबरें लगाई गई। लेकिन अब वो सारी खबरें डिलीट की जा चुकी हैं। तो क्यों ऐसा होता है आपको मालूम है? ये तब होता है तब आप उस पिच पर खड़े रहते हैं जिस पिच पर लगातार बाउंसर पर बाउंसर आ रही है, तो उसके बाद में एक वक्त के बाद में बॉलर थकता है, वो गेंद पुरानी होती है। जब बॉलर थकता है, गेंद पुरानी होती है, तो फिर लाइन लेंथ बॉलर की बिगड़ती है, और तब आपके पास में मौका होता है कि आप कुछ शॉट निकालें, यहां से कुछ शॉट निकालें और पुराना जो सूखा रन रेट रहा है उसकी भरपाई की जाए। तो कांग्रेस पार्टी को यह कम से कम अब दिखाना पड़ेगा कि एक वक्त जो खराब हो गया इन विधानसभा चुनाव के बीच में इंडिया गठबंधन को लेकर के, उसको लेकर के आपकी तैयारी क्या है, आप कितना सीरियस है, कम से कम अब आपकी सीरियसनेस है कि या नहीं, ये सवाल अब कांग्रेस पार्टी से लोग पूछे जाएंगे। और ये सवाल जब पूछे जाएंगे तो सवाल फिर यह भी उठेगा कि पिछला जो मन मुटाव है उसको दूर करने की, वो मनाने की कांग्रेस की तरफ से कितनी पहल की जा रही है। एक आज ही का वाक्य मैं आपको और बताता हूं। सोनिया गांधी का तो इतना मैंने आपको जिक्र करके बताया ही कि पीछे खड़ी रही, शांत होकर के सुनती रही। आपको इन तस्वीरों में कहीं पर राहुल गांधी नहीं दिखेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर नहीं थे तो गलत समझ रहे हैं। राहुल गांधी ये इधर आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, सोनिया गांधी वो है सामने, जरा तस्वीर दिखाइए, सोनिया गांधी वो सामने है, लेकिन राहुल गांधी पत्रकारों के पास में सीढ़ियों से नीचे उतर करके खड़े हुए।
जो एक लोगों के बीच में कंफ्यूजन या लोगों के बीच में दिखाया गया कि भाई कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी के अलावा और किसी को तवज्जो नहीं देगी, और किसी को मान सम्मान नहीं देगी, या और किसी व्यक्ति की पूछ है ही नहीं, तो सारी चीजें धड़कने लगी और एक मैसेज आज की शाम पहुंच गया। वो लखनऊ में भी पहुंचा अखिलेश यादव के पास, वो कलकत्ता में ममता बनर्जी के पास भी पहुंचा, वो मुंबई में भी पहुंचा राज ठाकरे के पास, उद्धव ठाकरे के पास। तो मैसेज जो पहुंचना जरूरी था वो मैसेज पहुंच गया, और उस मैसेज के पहुंचने के बाद में जो पहली स्थिति अभी हम देख रहे हैं, वो पहली स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी अब जो एक मोमेंट बना है, और आज कांग्रेस के अलग अलग ट्विटर हैंडल पर ये बाकायदा ट्वीट किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने पहले दिखाया कि डरो मत, और लोग बोलने लगे। बोलने का एक खामियाजा भुगतना पड़ता है, राहुल ने भी भुगता और ये महुआ मोइत्रा ने भी, लेकिन महुआ मोइत्रा ने ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा खामियाजा है नहीं, क्योंकि अब ज्यादा दिक्कत, ज्यादा लंबा जो है समय बचा नहीं है। 4 महीने करीब आप मान करके चलिए, फिर 2 महीने तो आचार संहिता में ही निकल जाएंगे, और ऐसे में और महुआ मोइत्रा के ऊपर कोई टेक्निकली चुनाव लड़ने के ऊपर रोक भी नहीं है, जो राहुल गांधी पर रोक लग गई थी, और वो एक सिंपथी लेकर के निकलेंगे वहां पर, दूसरी सीटों पर भी प्रचार करेंगे, 24 का चुनाव लड़ेंगी, और हो सकता है कि पिछली बार जो उनका मार्जिन रहा उससे कहीं ज्यादा जीत करके आए। तो ये सारी चीजें, ये जो है वो धीरे धीरे अब यहां से स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी इन चीजों को अगर लेकर के आगे बढ़ती है और इसी तरह से अगर विपक्ष के नेताओं को अपने साथ साधती है, तो फिर 2024 की तस्वीर को बदला जा सकता है। क्योंकि आज का विश्लेषण भी मैं देख रहा था, अगर हनुमान बेनीवाल को साथ लेकर के लड़ते, अगर आदिवासी पार्टी को साथ लेकर के लड़ते, तो हो सकता है कि राजस्थान की तस्वीर कुछ और होती, और इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को भी 2-4 सीट दे देते, मायावती जी को भी 2-4 सीट दे देते, और कुछ वहां पर आदिवासी पार्टियों के साथ में गोंडवाना पार्टी के साथ में अगर गठबंधन कुछ सीटों पर कर लेते, अगर 10-20 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मध्य प्रदेश में अगर गठबंधन कर लेती, तो वाकई तस्वीर आज कुछ और हो सकती थी। खैर, लेकिन अब वो बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, और जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। क्या कांग्रेस पार्टी उस नारे पर चल पाएगी, या उस दोहे पर चल पाएगी, या उस परिपाटी पर चल पाएगी, और ये कांग्रेस को कितना जो है फायदा दे पाएगा, कांग्रेस पर लोगों का कितना विश्वास लौटेगा, क्योंकि बिना शक इस बात में कोई दोराय नहीं है, और बिना शक ये बात कही जा सकती है कि लोगों के अंदर ये धारणा धीरे धीरे बैठने लगी थी। चाहे नीतीश कुमार ने भी यही कहा कि भाई अपना चुनाव के अंदर वो ज्यादा जो है वो अभी उलझे हुए हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा तब इंडिया गठबंधन की बैठक पर विचार करें। उधर से फारूक अब्दुल्ला इसी बात को बोल रहे थे, और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कि आज का जो ये मैसेज है, महुआ मोइत्रा एक अलग विषय हो गया, लेकिन उसके अलावा भी आज जो सोनिया गांधी ने मैसेज दिया है पीछे खड़े होकर के, और जो संसद से लेकर के बाहर तक उनको आई, उनके पीछे पीछे चली, वो आज जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के पास भी मैसेज गया होगा, महबूबा मुफ्ती के पास भी मैसेज गया होगा, फिर इधर बिहार में भी मैसेज चला गया होगा, बंगाल में भी, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी, और महाराष्ट्र में भी।